हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का बहुत स्वागत है दोस्तों। और आज हम एक कंपनी के रिजल्ट्स आए हैं और शानदार बम्पर रिजल्ट्स डिक्लेयर किए हैं कंपनी ने। फैंटास्टिक कंपनी है, रिजल्ट्स बहुत बेहतर है। तो डिटेल में थोड़ा सा देखेंगे कि रिजल्ट्स क्या हैं और कंपनी का फ्यूचर परस्पेक्टिव क्या रह सकता है। ऑप्टिकल फाइबर सेगमेंट की कंपनी है, स्टरलाइट टेक्नोलॉजी इसका नाम है। और आज स्टरलाइट टेक्नोलॉजी ने फैंटास्टिक नंबर डिक्लेयर किए। हालांकि अगर हम पिछले कुछ सालों की बात करें तो कंपनी की जो ग्रोथ प्रस्पेक्टिव था वो इतना बढ़िया नहीं रहा है, और यही रीज़न है कि कंपनी लोअर वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है। स्पेशली IoT, नेटवर्किंग, ऑप्टिकल फाइबर्स, जो भी आपका नेटवर्क रिलेटेड है, जो ऑनलाइन स्ट्रीमिंग वेबसाइट्स चल रही हैं, उन सभी से रिलेटेड इनका काम है। और चूँकि पास्ट में इतना ज़्यादा इन सभी चीज़ों का स्कोप नहीं था, ड्यू टू आप सभी को पता है कि इंटरनेट कितना कॉस्टली और महंगा होता था, हर किसी की रीच में इंटरनेट फैसिलिटीज़ नहीं थी। बट जियो की एंट्री लेते ही पूरे इंडिया में, अगर आप हर कोने की बात करें हिंदुस्तान के, तो इंटरनेट की सुविधा अवेलेबल है। अब ऑप्टिकल फाइबर्स भी बिछाए जा रहे हैं ऑल ओवर द इंडिया के अंदर। तो लगभग मुझे लगता है कि अगले 5 सालों के अंदर दूर दराज के एरियो में भी आपको इंटरनेट और बिजली की सुविधा उपलब्ध होगी। और इसी के चलते इस कंपनी के जो बिजनेस होगा उसमें भी एक अच्छा एक्सपेंशन हमें देखने को मिलेगा। रिजल्ट्स के बारे में चर्चा करते हैं। स्टरलाइट टेक्नोलॉजी 24 अक्टूबर 2018, जब हम ये वीडियो आपके साथ बना रहे हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड जो भी BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है उसके स्क्रिप्ट कोड उन्होंने यहाँ पर दिए हैं। स्टरटेक NSE का कोड है और 532374 BSE का कोड है यहाँ पर। इसके बाद ऑडिटेड जो भी नंबर दिए हैं ऑडिटेड और अनऑडिटेड उसके बारे में बात करते हैं। PwC इसका ऑडिटर है एंड थोड़ा सा इसके कैपेबिलिटीज़ वगैरह के बारे में बात करते हैं। इनके जो CEO हैं डॉक्टर आनंद अग्रवाल, ग्रुप CEO एंड स्टरलाइट टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन बिल्डअप, इनकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं, क्या क्या काम करते हैं। स्टरलाइट टेक्नोलॉजी इज टेकिंग इट्स सॉल्यूशन ऑफरिंग फॉर द 5G। अभी आप सभी को पता है 5G जल्दी ही आने वाला है, प्रॉब्ली 2019 एंड तक 5G लॉन्च हो जाएगा। And FTTX data center and defense applications to the market. These are end-to-end suits with optical product and the kits and network orchestration in the virtualized environments. The company's most recent win with the Indian Navy is based on the defense solution offering. मतलब इंडियन नेवी से इनको जल्दी अभी हाल ही में पिछले हफ्ते इंडियन नेवी से इनको एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है जो कि डिफेंस सोल्यूशन जो है वो तैयार करेंगे। फाइबर एंड द केबल एक्सपेंशन, द कंपनी हैज बीन ओरिजिनली एंड ऑर्गेनिकली एंड द इन ऑर्गेनिकली स्ट्रेंथनिंग इट्स कोर ऑप्टिकल प्रोडक्ट कैपेबिलिटी। जो ऑप्टिकल प्रोडक्ट कैपेबिलिटी है उसको इंक्रीज कर रहे हैं लोग। विद दीज एक्सपेंशन स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज विल बी अमंग द टॉप इंटीग्रेटेड फाइबर एंड द केबलिंग टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर द ग्लोबली। अगर दुनिया में बात करते हैं तो ये अपने आप में लीडर की तरह काम करती है, और इसकी एक बहुत बड़ी एक्सपेंशन प्लान है। और ये काफ़ी यूरोप में भी काम करते हैं, इंडिया में बड़े लेवल पर काम करते हैं, तो ग्लोबली इनकी रीच है। यूरोपियन एक्विजिशन में द कंपनी एक्वायर्ड 100% स्टेक इन द मेटलर्जिका ब्रेसियाना, जो कि अभी कुछ महीनों पहले ही इन्होंने मेटलर्जिका ब्रेसियाना का 100% स्टेक बाय किया यूरोपियन मार्केट में अपनी पैर जमाने के लिए। ए स्पेशलाइज्ड ऑप्टिकल केबल मैन्युफैक्चरर इन द इटली टू एक्सपेंड इट्स यूरोपियन प्रेजेंस। डबलिंग ऑफ द केबल कैपेसिटीज टू द 33 मिलियन FKM, द कंपनी कमिटेड टू 320 crore कैपिटल एक्सपेंडिचर इन द ग्रीन फील्ड एंड द ब्राउन फील्ड एक्सपेंशन टू डबल इट्स केबल कैपेसिटी। तो केबल पर मैन्युफैक्चरिंग पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, बिकॉज फ्यूचर में ऑप्टिकल फाइबर्स की बहुत ज़बरदस्त डिमांड होगी। फाइबर कैपेसिटी एट द 50 मिलियन FKM ऑन द ट्रैक, द कंपनी इज ऑन गोइंग कैपेक्स प्रोग्राम ऑफ द एक्सपेंडिंग इट्स फाइबर कैपेबिलिटी टू द 50 मिलियन FKM इज ऑन द ट्रैक एंड विल बी ऑपरेशनल बाय द June 2019। और ये June 2019 से ऑपरेशनल हो जाएगा, यानी कि फिलहाल अभी स्टॉक अच्छे लेवल पर, कुछ कंसोलिडेशन भी होगा, ऐसा नहीं है। नंबर्स अच्छे पोस्ट किए हैं तो आने वाले कुछ दिनों में आपको एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज़ के अंदर। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करते हैं, अगर Q2 नंबर्स आए हैं FY19 के, तो स्टरलाइट टेक्नोलॉजी कंसिस्टेंट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ओवर द पास्ट सेवरल क्वार्टर्स इज ए रिजल्ट ऑफ दीज सॉल्यूशंस एंड द कैपेबिलिटी बिल्ट। देखिए, अभी चूंकि अब मार्केट बन रहा है इनका, ऑप्टिकल फाइबर बिछाए जा रहे हैं, नेटवर्किंग सॉल्यूशंस हो गए, आपको जगह जगह वाईफाईज लग रहे हैं, इंटरनेट ऑफ द थिंग्स है, डिजिटल इंडिया का कॉन्सेप्ट चल रहा है, तो ये सभी चीज़ें चूंकि एक साथ हो रही हैं और अगले 5 सालों में इन सभी
फील्ड पर बहुत ज़बरदस्त काम होने वाला है। आईओटी आप समझ लीजिए क्या है कि आप जितनी भी डिवाइसेस खरीदते हैं इलेक्ट्रॉनिक, चाहे वो फ्रिज खरीदेंगे, चाहे वो एसी खरीदेंगे, चाहे वो आप यू नो टीवी खरीदेंगे, एनीथिंग जो भी प्रोडक्ट्स हैं आपके घर के अंदर, चाहे वो जूसर मिक्सर ग्राइंडर खरीदेंगे, सभी वाईफाई लेस होंगे, सभी वाईफाई लेस होंगे, सभी में आईओटी होगा। और ये कंपनी आईओटी में बहुत फोकस करती है। जब स्मार्ट सिटीज़ बनेंगे तो स्मार्ट सिटीज़ में बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करेगी ये कंपनी आगे चल के। तो इस कंपनी का अब एक्चुअल बिजनेस शुरू हुआ है। अभी तक तो ये लोग आप ये समझ लीजिए बेस बना रहे थे, क्योंकि इनको पता था फ्यूचर में जब डिजिटल वर्ल्ड का समय आएगा, जब डिजिटल मार्केट का समय आएगा, तब इनकी ज़रूरत पड़ेगी। अभी तक तो ये लोग छोटा मोटा काम कर रहे थे बड़े बड़े मेट्रोज में या अदर कंट्रीज़ के अंदर जो भी ऑप्टिकल फाइबर बिछाने। अब आएगा मिड टायर और स्मॉल टायर जो कंट्रीज़ होते हैं, जो सॉरी सिटीज़ हैं, छोटे शहर जो विलेजेस हैं, जो टाउन एरियाज हैं, जब वहाँ पर इनके नेटवर्किंग केबल्स, ऑप्टिकल फाइबर्स, आईओटी, डिफरेंट डिजिटल व्हाट्सएप कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जब इनकी डिमांड, जब रिक्वायरमेंट आएगी, तब इनकी इनके पास जो ऑर्डर बुक होगी वो और हेल्दी होती चली जाएगी। अगर बात करेंगे CAGR तो 47% लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर की बात करेंगे तो 47% की का जो है वो जो ग्रोथ रहा है कंपनी का रहा है। रेवेन्यूज जो Q2 FY19 में रहे वो लगभग 1084 करोड़ के, जो कि अगर YOY की बात करें यानी कि लास्ट सितंबर के मुकाबले बात करें तो 39% का राइज हुआ है। EBITDA में 279 करोड़ का प्रॉफिट है, EBITDA है लगभग 57% का YOY पर राइज हुआ है, यानी कि लास्ट सितंबर में से और इस सितंबर में कंपेयर करते हो लगभग 56% की तेजी आई है। और PAT में जो कि इस वर्ष 131 करोड़ का है, लगभग 84% PAT इंक्रीज हुआ है YOY में। तो आप देख सकते हैं क्या शानदार कंपनी का रिजल्ट्स रहा है Q2 FY19 में। और मुझे लगता है कि जब फाइनेंशियल ईयर FY19 के नंबर्स डिक्लेयर करेगी ये कंपनी तो अल्टीमेट नंबर्स आएंगे। द फ्यूचर आउटलुक ऑफ द स्टरलाइट टेक्नोलॉजी रिमेंस वेरी पॉजिटिव विद द करंट ओपन ऑर्डर बुक। इनका जो ऑर्डर बुक है बहुत हेल्दी है, लगभग 9455 करोड़ का इनके पास एटलीस्ट अभी एट प्रेजेंट ऑर्डर बुक है, बेस्ड ऑन ए गुड मिक्स ऑफ द इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट। तो ये स्टरलाइट टेक्नोलॉजी, बाकी आप इसके बारे में और डिटेल में जान सकते हैं। इसके अलावा हम लोग थोड़ा सा और बात करेंगे, अर्निंग्स वगैरह ये आएंगे आपकी CY15 में, जब बात करेंगे 1 जेटा वाइट पर ईयर इनका डेटा का जो कॉन्सेप्ट रहता था, मतलब अपलोडिंग रहती थी, जब आप 20 के तक आएंगे तो आप देखेंगे 2.6 जेटा वाइट पर ईयर और 4.3 जेटा वाइट पर ईयर। कंज्यूमर लेड डेटा कंजम्पशन ड्रिवन बाय द 8K वीडियोस, चूँकि अब 8K वीडियोस आ रहे हैं, क्लाउड यूजर जनरेटेड कंटेंट्स, तो ये सभी की डिमांड बढ़ रही है। लोग अभी अपने डेस्कटॉप्स पे, अपने लैपटॉप्स पे डेटा को सेव नहीं कर रहे हैं, वो क्लाउड्स पे सेव कर रहे हैं। 8K वीडियोस आ रहे हैं जो कि कहाँ अपलोड कर रहे हैं, क्लाउड्स पे, उनके लिए स्पेस चाहिए, वो सभी कौन प्रोवाइड करा रहा है, ये कंपनी जो सभी पे इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करती है। एंटरप्राइज लेड डेटा कंजम्पशन ड्रिवन बाय द कनेक्टेड थीम एंड द ऑटोमेशन। ओके, कंज्यूमर लेड आप देखेंगे नेटफ्लिक्स हो गया, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट, टम्बलर, इन सभी में जो ज़रूरतें हैं पर ईयर जो एक्सोबाइट की, वो डेटा कहाँ सेव हो रहा है? सर वो डेटा सभी डिमांड हो रही है, सेव हो रहा क्लाउड्स पे, सभी जो भी आपके सर्वर्स पे, बड़े बड़े जो क्लाउड सर्वर्स बने हैं उन पर सेव हो रहा है 4K वीडियोस, 8K वीडियोस। तो जो कंज्यूमर डिमांड है वो आगे बहुत तेज़ी से शार्पली बढ़ने वाली है, बिकॉज अब इंटरनेट, हाई स्पीड इंटरनेट 4G और आने वाले कुछ क्वार्टर्स में आपको 5G इंटरनेट जब मिलेगा, 2019 लास्ट या 2020 तक भी आप मानेंगे तो 5G नेट आ जाएगा, देन अल्टीमेट आप यकीन नहीं कर सकते, आज आप बिलीव नहीं करेंगे मेरी बातों में, लेकिन अगले 2 सालों में आप वर्ल्ड को चेंज होता हुआ देखेंगे अपनी आंखों से। और वहां पर जो टेक्नोलॉजी रिलेटेड स्टॉक्स हैं वो बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस देंगे आपको। एंटरप्राइजेज में IoT, ठीक है, आप देखेंगे जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, जितने भी स्मार्ट सिटीज़ बन रहे हैं, जितने भी अब ऑफिसेज वगैरह हो रहे हैं, इवन आने वाले समय में ये तक होगा कि आप अपनी बिल्डिंग के नीचे खड़े हैं और आपके हाथ में एक सेंसर होगा, उससे आप अपने घर की लाइट्स को ऑफ कर सकते हैं, डोर्स को लॉक कर सकते हैं, एवरीथिंग आप एक रिमोट कंट्रोल से कर सकते हैं, बिकॉज सब कुछ आपका वाईफाई लेस होगा और सब कुछ IoT इनेबल्ड होगा आपका। कॉन्टेक्स्चुअल ऑटोमेटेड एक्सपीरियंस, ठीक है, इसके अलावा ड्राइविंग कैपेक्स कन्वर्जेंस ऑफ द डिजिटल नेटवर्क फर्म्स, आप देखेंगे यहाँ पर नेटफ्लिक्स हो गया, HBO, YouTube, और तो जब से वेब सीरीज़ का समय आ रहा है, चूँकि अब आप देख रहे होंगे धीरे धीरे वेब सीरीज़ का समय आ रहा है, तो जो वेब सीरीज़ का समय है तो वो सभी की डिमांड होगी ऑनलाइन डेटा की स्टोरिंग की, तो उन सभी के लिए ये कंपनी एक बहुत ही शानदार प्लेटफॉर्म तैयार कर रही है। और आप देखेंगे इनलेवलर 5G, जब 5G आएगा अगले कुछ छमाही में, मुझे लगता है मैक्सिमम 2 साल लगेंगे, हालांकि इतने लगने नहीं चाहिए क्योंकि जो गवर्नमेंट का मिशन है वो 2019 एंड का मिशन है तकरीबन, कि 5G नेटवर्क को ये लोग इनेबल करेंगे।
सो एनेबलर्स 5G एनेबल्ड होने वाला है नेक्स्ट ईयर एंड तक या मैक्सिमम 2020 जो भी आपका फर्स्ट हाफ समझ लीजिए उसमें, और 5G एक बार इनेबल्ड हो जाएगा उसके बाद जो स्पीड रहेगी आप समझ सकते हैं 10 Gbps की स्पीड के साथ जो भी, तो उस सब के लिए जो ऑप्टिकल फाइबर बिछाए जा रहे हैं, हाई स्पीड केबल बिछाए जा रहे हैं, उन सभी में बहुत ज़बरदस्त डिमांड है और ये कंपनी चूंकि लीडर है ऑप्टिकल फाइबर सेगमेंट में तो इसके लिए बहुत ही ज़बरदस्त ऑर्डर्स होने वाले आने वाले समय। मोबाइल इंटरफिक्स्ड डेटा नेटवर्क 5G FTTH, ठीक है, नेशनल ब्रॉडबैंड डिफेंस नेटवर्क, जो भी नेटवर्क्स तैयार होंगे आने वाले समय में जहाँ जहाँ पर फिलहाल जो भी नेटवर्क्स नहीं फैले हुए तो नेटवर्किंग ये लोग तैयार करते हैं, तो ये कंपनी के पास आगे का जो काम है वो बहुत होने वाला है और इस कंपनी में एक अल्टीमेट परफॉर्मेंस होने वाली है आने वाले समय में। ओके, इसके अलावा नेटवर्क डेंसिफिकेशन, डीप फाइबराइजेशन, ओपन सोर्सेज, कंप्यूट एंड द स्टोरेज एट द एज, सो ये सारी चीज़ें आप इस पूरी शीट को पढ़ सकते हैं, काफ़ी डिटेल में है ये शीट, स्टेलाइट टेक्नोलॉजी डेटा नेटवर्क सॉल्यूशन कंपनी, ठीक है। तो ये इनके सारा इन्होंने दिखाया हुआ है यहाँ पर, ये रेवेन्यू लाइन पर इन्होंने दिखाया हुआ है FY16 में से लेके आप FY18 24 अक्टूबर एज ऑफ नाउ टुडे तक आप देख सकते हैं जो ग्रोथ रेशियो है कितना ज़बरदस्त है। आप एक आप इस चार्ट को देख के आपको विजुलाइज हो जाएगा कि जो ऑर्डर बुक है आप देखेंगे जो ऑर्डर बुक INR में करोड़ में ब्लू में ऑर्डर बुक है लगभग 9455 करोड़ की इस वक्त इनके पास ऑर्डर हैं, जबकि अगर आप देखेंगे ट्रेलिंग जो 12 मंथ थे उसमें 5955 करोड़ का था। FY18 में जब बात करेंगे मार्च 18 तक जो इनके पास ऑर्डर बुक थी वो लगभग 5223 करोड़ की थी, यानी कि FY18 यानी मार्च 18 से लेके अब अक्टूबर तक इनके पास ऑलमोस्ट कितना ज़बरदस्त ऑर्डर आ चुका है, लगभग 4000 करोड़ से भी ज़्यादा का इनके पास ऑर्डर आ चुका है। रिवेन्यू INR में आप देख सकते हैं जो रिवेन्यूज़ हैं अभी कहीं ना कहीं प्रॉफिट मार्जिन पर जरूर प्रेशर है, बट मुझे लगता है कि जब ऑर्डर्स अच्छे होंगे आने वाले समय में काम बढ़ेगा देन डेफिनेटली जो प्रॉफिट मार्जिन हैं वो भी हायर होंगे। हाइएस्ट एवर फ्यूचर विजिबिलिटी 2.6 टाइम्स ऑर्डर बुक टू द रिवेन्यू, आप देखिए क्या ज़बरदस्त ऑर्डर बुक रही है इनकी। सो ये अगर जियोग्राफिक मिक्स रेवेन्यूज़ की बात करते हैं तो इंडिया से इनकी जो 55% रेवेन्यू आता है, यूरोपियन जो कंट्रीज़ हैं उनसे 29% है, चाइना से लगभग 7% का है, मिडिल ईस्ट से लगभग 4% का है एंड अदर्स जो अदर कंट्रीज़ हैं USA अदर कंट्रीज हैं तो 6% का रेवेन्यू कंपनी जनरेट करती है। ओके, तो ये डबलिंग अवर पैट एवरी 2 ईयर्स, हर 2 साल में इनका पैट दुगना होता है। FY16 अगर आप देखेंगे तो 20-30% हो गया। ओके, यहाँ पर आप देखेंगे FY16, 17, 18 and 19 $100 million, तो ये इनका स्ट्रेटजिक गाइडेंस है 2020 का, इनका $100 million का टारगेट है। ओके, Q2 FY19 हाइलाइट्स इन्होंने दी हुई हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं डेमोंस्ट्रेटिव ग्रोथ ऑन द QOQ बेसिस पर। Q2 FY18 एंड Q2 FY19 179 crore एंड 279 crore, तो आप लगभग 56% का अपसाइड है EBITDA में, रेवेन्यू में लगभग 39% अप है, जहाँ पर Q2 FY18 में 779 crore था अब यहाँ पर 1084 crore का सेल्स रखा है एंड यहाँ पर आप पैट को देख सकते हैं 71 crore से इनक्रीज होकर 131 crore के आसपास इनका पैट, यानी कि 84% का राइज आया। सो ये सारी चीज़ें हैं जहाँ पर आप नेट डेप्ट 30 सितंबर 2018 1703 crore का, द बिजनेस कंटिन्यू टू जनरेट स्ट्रॉन्ग ऑपरेशनल कैश फ्लो। सो आप इस पूरी शीट को डिटेल में आपको मिल जाएगी BSE पर या फिर जो भी आप मनी कंट्रोल पर भी आप रिजल्ट्स में जाएंगे तो आपको डेफिनेटली पूरी शीट मिल जाएगी, आप उसको एनालाइज कर सकते हैं। यहाँ पर ये पूरे रिजल्ट्स इसके हैं जो मैंने ऑलरेडी आपको बता ही दिया रिजल्ट्स के बारे में, ऑलमोस्ट 84% का राइज आया है प्रॉफिट पे कंपनी का। टेक्निकली हम लोग एक बार बात करेंगे चार्ट्स के थ्रू, कंपनी का जो मंथली रेजिस्टेंस लेवल है वो 363 का है। अगर डेली अपसाइड की बात करता हूँ तो डेली अगर यहाँ तक कंपनी ने एक अच्छा रनअप दिया, स्ट्रांग अपसाइड दिया क्योंकि अच्छे रिजल्ट्स आए तो लगभग 400 का लेवल ये कंपनी ये स्टॉक आपको आने वाले समय में दिखा सकती है। बट 400 इज़ अ मेजर रेजिस्टेंस लेवल बिकॉज डेली चार्ट पे और वीकली चार्ट पे ये अभी थोड़ा सा लोअर ट्रेड कर रहा है, बट क्वार्टरली मंथली और एनुअली नंबर पर बात करेंगे अगर हम तो काफ़ी यू नो हाई वैल्यू पर ट्रेड कर रहा था। फिलहाल स्टॉक 400 की रेंज से बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा, मुझे संभावित नहीं लगता 410-420 डेली चार्ट पे जा सकता, थोड़ा फ्लक्चुएट होगा 30 रुपीज़ तक, बट बहुत ज़्यादा अपसाइड्स पे आप नहीं देख सकते। सो यहाँ से मुझे लगता है करीब 80-100 रुपए का मैक्सिमम अपसाइड मुझे नज़र आता है अगले 6-9 महीने के अंदर इस स्टॉक के अंदर, बट कंसोलिडेशन स्टिल रहेगा। एक बार 5G लॉन्च हो जाएगा देन उसके बाद एक अच्छे कंसोलिडेशन के बाद ये स्टॉक एक अच्छी परफॉर्मेंस आपको देगा, बट
ये स्टॉक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बिल्डिंग के लिए बहुत बेहतरीन स्टॉक है। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, जब भी आपको 275-300 की रेंज में ये स्टॉक मिलता है, पार्शियल क्वांटिटीज को ऐड करते रहिए, अगले 3 से 5 साल के लिए इस स्टॉक को होल्ड कीजिए। ये स्टॉक जो आपको आज 300 रुपीज़ की रेंज में दिखाई दे रहा है, मैं कोई अतिशोक्ति वाली बात नहीं करूँगा, 3000 लेवल्स को भी क्रॉस कर सकता है अगले 5 साल के अंदर। इसके अंदर इतना ज़बरदस्त पोटेंशियल है और इसके कॉम्पिटिटर बहुत कम है। अगर कॉम्पिटिटर्स की बात करते हैं तो एट प्रेजेंट इसके कॉम्पिटिटर्स बहुत कम है। लेट्स सी कि इस कंपनी का जो पीयर है वो कौन कौन सी कंपनीज काम करती हैं स्पेशली। यहाँ पर पीयर सेगमेंट में अगर आप देखेंगे, जस्ट अ मोमेंट, स्टेलाइट टेक्नोलॉजी मार्केट कैपिटलाइजेशन में टॉप पे है 13,000 करोड़, फिनोलेक्स केबल्स उसके बाद 7,000 करोड़, विंध्या टेलीलिन ये आपका 1,447 करोड़ का मार्केट कैप है, उसके बाद तो फिर अक्ष ऑप्टिपा, बिरला केबल, CMI, पैरामाउंट कम्युनिकेशन, ये सब छोटी छोटी कंपनीज हैं। ओके, अगर सेल्स टर्नओवर की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा टर्नओवर स्टेलाइट टेक्नोलॉजी का है और उसके बाद फिनोलेक्स केबल्स का है। प्रॉफिट मार्जिन के केस में फिनोलेक्स केबल्स स्टेलाइट टेक्नोलॉजी से बहुत बेटर है फिलहाल एट प्रेजेंट, बट मुझे लगता है कि आने वाले समय में स्टेलाइट टेक्नोलॉजी बीट करेगी फिनोलेक्स केबल्स को भी, बिकॉज जो डाइवर्सिफाइड बिजनेस है इनका, ऑप्टिकल फाइबर्स का, नेटवर्किंग का, IoT का, डिफरेंट डिजिटल मीडिया वर्क्स का। ओके, सो ये इनका मेन जो इनके कॉम्पिटिटर हैं फिनोलेक्स केबल्स एंड विंध्या टेलीलिन, ये इनके मेजर कॉम्पिटिटर्स हैं, जिसमें कि मुझे लगता है कि केवल जो फाइट रहनी है बिटवीन द स्टेलाइट टेक्नोलॉजी एंड फिनोलेक्स केबल्स के बीच में रहनी है। सो ओवरऑल स्टॉक 323 का बहुत ही लोअर वैल्यूएशन में मिल रहा है, कुछ दिनों पहले आपको अप्रॉक्सीमेटली 275 का रेंज भी दिखाया था। तो जब भी आपको डिप मिले इस स्टॉक की छोटी छोटी क्वांटिटीज़ को खरीदिए, बल्क बाइंग मत कीजिए, बहुत ही अग्रेसिव मत हो जाइए। हालांकि रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं बट कोई अग्रेसिव ट्रेड लेने की ज़रूरत नहीं है, छोटी क्वांटिटी के साथ आप ट्रेड कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म में आपको मुनाफा हो सकता है, बट लॉन्ग टर्म के लिए आप अभी स्टॉक कंसोलिडेट होगा। मुझे लगता है कि तकरीबन अगले 2-4 quarters और लगेंगे कंसोलिडेशन में इस स्टॉक को, और ये लगभग 300 से 500 के रेंज में अगले 1 साल या 1.5 साल तक ट्रेड कर सकता है। लेकिन अगले 1-1.5 साल के बाद ये स्टॉक उस जब 500 की टेरिटरी से बाहर निकल के जाएगा, तो नॉन स्टॉप जर्नी दिखाएगा ये स्टॉक जिसने आज रिजल्ट्स पोस्टेड किए हैं स्टेलाइट टेक्नोलॉजी। तो दोस्तों, ये हमने बात की पूरी डिटेल में स्टेलाइट टेक्नोलॉजीज़ के बम्पर रिजल्ट्स के बारे में। कंपनी फैंटास्टिक है, फ्यूचर बहुत ज़बरदस्त है कंपनी का, पास्ट जो बीत चुका है वहाँ पर इतनी डिमांड नहीं थी, इसलिए कंपनी एक स्टेबल बिजनेस कर रही थी, बट फ्यूचर अनलिमिटेड है इस कंपनी के आगे, और यही रीज़न है कि ये स्टॉक मैं आपको SIP के लिए जरूर रिकमेंड करूँगा, जरूर बताऊँगा आपको, लेकिन साथ ही आप अपनी एनालिसिस जरूर कीजिएगा दोस्तों, बिकॉज आपसे बेहतर आपका जो फाइनेंशियल एडवाइज़र है वो कोई और दूसरा नहीं हो सकता। अपने एनालिसिस करने के बाद ही आप सही तरीके से निवेश प्रारंभ कीजिए, अगले 2-3 साल तक कंटिन्यूसली निवेश कीजिए इस स्टॉक के अंदर, उसके बाद आप एंजॉय करेंगे प्रॉफिट हर दिन, हर हफ्ते, हर महीने, हर साल। तो अगले वीडियो में जल्दी मिलता हूँ कुछ और बेहतरीन शेयर्स के साथ, तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारे चैनल को, और जो लोग पहली बार आए हैं वो लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि जैसे ही आप सब्सक्राइब करेंगे आपको हर अपडेटेड वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे दोस्तों। तो जल्दी मुलाकात करता हूँ नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, नमस्कार दोस्तों।